जिला पंचायत सदस्य कल्ली गुर्जर ने शिवपुरी विधानसभा से भरी हुंकार। हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालकर राजेश्वरी मंदिर से किया शंखनाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बच गया है। मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी तीसरी शक्ति के रूप में चुनावी मैदान में है। बात करें शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की तो बीजेपी से यहां वर्तमान विधायक और कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का चुनाव लड़ना तय है। वहीं कांग्रेस से टिकट को लेकर अभी दावेदारों में एक दूसरे को शह और मात देने की होड़ मची हुई है। इसी बीच रविवार को तीसरी शक्ति के रूप में जिला पंचायत सदस्य कल्ली गुर्जर ने हुंकार भर दी है। कल्ली गुर्जर ने बाकड़े हनुमान मंदिर से शहर के राजेश्वरी मंदिर तक हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में चुनावों का बिगुल फूक चुका है, रणनीति बच चुकी है। बस कुछ ही क्षणों में आप और हम चुनाव के मैदान में होंगे। आज मध्य प्रदेश की शिवपुरी विधानसभा में हम खड़े हैं। यहाँ पर एक आम साधारण व्यक्ति जिसकी बात करें, जिसका सामाजिक सपोर्ट आप लोगों को देखते ही बनता है, उन्होंने कुछ करने का निर्णय लिया है। तो बात करेंगे उनसे, उन्होंने क्या इस विषय में निर्णय लिया, क्या नाम है? अभिनंदन सिंह कल्ली गुर्जर। कल्ली गुर्जर जी, आपने आज एक शहर में इतनी बड़ी रैली के रूप में, लोगों के रूप में आए, लगभग आपके साथ 10 से 15 हजार लोग साथ में है, लगातार लोगों का समर्थन आपके पीछे जुट रहा है, लगातार नारे लग रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस रैली? मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आने वाले 2022 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया, भाग दिया। जनता की आज जनता ने कहा मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या है कि बीपीएल के कार्ड भी आते हैं, कुटीरों के भी आते हैं, सब रोड़ों के भी आते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो मेरी गली में चीजें नहीं हुई है। मैं खुद परेशान, क्योंकि मेरे भाई, मेरे पिताजी वो सरपंच है, वो जिला पंचायत है, मैं जिला पंचायत अलग से लड़ा, लेकिन मेरा कुछ करियर अलग है। मैं किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता। मैं प्रजातंत्र नव युवा के साथ अपना, जनता ने, जनादर ने मुझे कहा, मेरे युवा साथियों ने, सीनियर लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने कहा कि आपको अगर सेवा करना है तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपका विधानसभा चुनाव 2023 सर पे खड़े हैं, बिल्कुल बच चुका है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, चुनाव के रणभेदी में आप और हम उतर जाएंगे। क्या फ्रेम है आपका, किस उद्देश्य को लेके या किस तरीके से आप विधानसभा चुनाव में? क्या विकास के मुद्दे के लिए किसी पार्टी से उतरेंगे या व्यक्तिगत उतरेंगे? किसी पार्टी से, किसी पार्टी से उतरेंगे? हाँ, अभी तक कोई फाइनल नहीं हो पाया किस पार्टी। हो गया क्लियर है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस हमको लाइक करती नहीं। मतलब किसी आप बीजेपी को खुश करो, किसी हमारे गुर्जर समाज, 48,000 गुर्जर समाज है शिवपुरी जिले के अंदर। किसी भी पार्टी के नेता ने हमारे समाज का सम्मेलन नहीं बढ़ाया। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि समाज को लेके, सामाजिक गतिविधियों को लेके भी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों को नकार चुके हैं, किसी अन्य पार्टी से तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तो इस बार आप मतलब सुप्रीम विधानसभा को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, अगर ऐसा बात हो रहा है तो हम किसी भी पार्टी से, तो किसी भी हमको टिकट दे सकती है, तो हम आम आदमी को भी तो दे सकती है ना, क्योंकि हमारा राज्य तंत्र प्रजातंत्र है। आपकी लड़ाई आम आदमी को लेके, आम आदमी को लेके संकेत आम आदमी से आम आदमी पे जाके रुक जाता है। कहीं ना कहीं आम आदमी का भी संकेत यहाँ पे हो सकता है किसी भी पार्टी को लेके। अभी उन्होंने संकेत क्लियर नहीं किया है। मैं जरा सक्सेना शिवपुरी।